कर देने जो भी मंगा मैनु सरकार अता कर देने हार इज्जता दा सदा ओ नाद जल विचरणा हार इज्जता दा सदा ओ नाद जल विचरणा ओना खुश बस्ता दा ना मर के जिंदा रहना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो में नाज़रां आ तुसीं देख रहे हो जी तुहाडे सामने फार्मूला है नुस्खा जिहड़ा ना नबी पाक सस्तरम नूं बहुत पसंद सी ते और नबी पाक सस्तरम पसंद करदे सी और इस्तेमाल करदे सी ते मेरियां नज़रां च आया ते मैं देखिया ते मैं क्या अपने दोस्तों वीरां नूं इह चीज़ ते शेयर करां क्योंकि यह बना के इस्तेमाल करना कोई मुश्किल भी नहीं है तो इंदा तरीकाकार जरा ना वह भी आसान है चीज़ा भी ज़्यादा मुश्किल नहीं ना तो वैसे भी साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो फिर असं जरूर इस्तेमाल करा तो असं इन्हों शेयर भी करा वीडियो में ताकि जोड़ा भी दोस्त इस्तेमाल करेगा वह सदका जारी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे दोस्त भीर शेयर करे तो आइए हम आप देखने कि चीज़ा ने सब तो पहले देखो असी खजूर हैगी खजूर तुसी कोई भी खजूर लैके जी ना शामिल कर सकते जी लेकिन मेरे को इस टाइम मदीने की खजूर पई हुई थी सुखरी यह बड़ी प्यारी खजूर है भी लेकिन यह कि अगर बंदा साबिया चीज दो तो वह अजवा भी शामिल कर सकता है अंबर भी कर सकता है खजूर तो बहुत ज़्यादा किस्म ने लेकिन कोई भी खजूर इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह अगली आइटम जी वह खुशकाश है खुशकाश का एक चमच लेना है खजूर पांच अदद लैनिया ने तो खुशकाश में अलहदा साफ कर लिया जाए तो बेहतर है क्योंकि इनके अंदर किरक होंगी है रेत होंगी है तो इस तो अलावा अगे देखो ये कहने अपने तिल सफेद सफेद तिल ने अगर इनकी जगह काले तिल भी पाए जाए तो कोई इशू नहीं है लेकिन काले तिल ना सफेद ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर जूस जरा अगर काले तिल पावे तो जूस काला काला भी हो सकता है। इस तो अगे जनाब है देखो छोटी दराख और ये भी बड़ी जबरदस्त चीज़ है और ये तुसी लेना है देसी जिस तरह तुसी देख रहे हैं ना देसी है जिहड़ी लंबी लंबी होंगी ना वो सुंदरखानी होंगी है और जरा ना पुठ तलाब की लगी होंगी है इस वजह तो वह तुरश ज़्यादा होंगी है तो उनके नाल बेहतर है कि यह ही इस्तेमाल की जाए। इस तो अगे जनाब है बदाम गिरियां मगज और ये तुसी कोई भी लै सकते जो कि जरूरी है ऐ नहीं कि वड्डे होने चाहिए ने कोई भी हो अमेरिकन हो जाए ईरानी हो जाए या गुड़बंदी हो जाए कोई भी हो जाए ठीक ने अगर छोटे होने तो तुसी कोई चार वध पा लवो बाकी नहीं तो तकरीबन 11 अदद बदाम ले लेना चमच सौगी का भी एक चमच ले लेना और अगे चारे मगज आ गए लेकिन यह चार मगज नहीं होंगे आम बोलने बाद चार मगज ही होंगे ने लेकिन चार नहीं है यह मगज खरबूज है सॉरी तरबूज है तो ये तरबूज असल में चार मगज जो होंगे ना वो मगज खरबूजा मगज तरबूज मगज खीरा और मगज कद्दू यह जो चार मगज होंगे ना वो चार मगज होंगे ने वैसे आम जरा ना आम वो इनू चार मगज किया जाता है यह भी एक चमच पाना है यह सारिया चीज़ा तेरे सामने ने खजूर के बारे में यह कि खजूर तुम पहले ना चैक कर लवो मतलब है कि इन्हों हाफ हाफ करके चैक कर लवो चाहे कि बच्चे कोई जाले वाली तो नहीं हैगी जो कोई कीड़ा शीरा तो नहीं है उन्होंने अलहदा जरा ना उन्होंने अगर कोई इस तरह की हो तो साफ करके तो उन्हें शामिल किया जा सकता है तो इस तरह कोई भी चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम वाली हो तो उन्होंने अलहदा साफ किया जा सकता है तो यह जी चीज़ा तुम देख रहे हो इन्हों जानू इस्तेमाल करने वास्ते जरा ना वो साफ होनिया जरूरी ने तो इंशाल्लाह यह तुम मैं दिखाना वा कि इन आप किस तरह इस्तेमाल करना है तो वह इंशाल्लाह मैं दसना फिर इंशाल्लाह जी देखो माशाल्लाह असं यह जो खजूर ने इन्होंने भी और अंजीर ने शामिल होर की और इन्हों असी देखो जरा ना पानी मार लिया अच्छी तरह ज अगर हल्की फुल्की कोई गर्द गुबार वगैरह उत्तर लगे हो तो भी साफ हो जाएगा वैसे तो साफ ही थी पहले और जे तिल और जो चारे मगज ने इन्हें भी असी अच्छी तरह पानी मार के मल के इन धो लिया
क्योंकि चीज़ कोई भी हो अच्छी तरह साफ की जाए तो उनका जायका भी अच्छा बनता, तस्वीर भी अच्छी बनती। तो इस तरह ही यह देखो जी हैगी खुशकाश इन्हें अक्सर किरक होंगी, इन्हें धोया तो इन किरक रेत निकली है वो अलहदा कर दी साफ कर दी। हूँ असी सारिया चीज़ों जड़िया ने वो इन भगो दें बिस्मिल्ला रहमान रहीम तो यह भी असं इन्हें शामिल करने जी माशाल्लाह। देखो हम असी इन पानी जरा ना वो शामिल कर दिता, इन्हें भगो दिता। इंशाल्लाह सारी रात जरा ने इस तरह भिजा रहेगा, हम रात के 9 बज गए हैं तो सुबह इंशाल्लाह जिस तरह इन्हें बनावे ना अपने दोस्तों को दिखावे किस तरह तैयार करना है इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह देखो रात भर जरा ने भिजा रहा, तो यह जो पानी इसका यह भी नहीं जाया करना, इन छिलके साफ करने के बदाम गिरियां साफ करने गिटलियां जड़िया खजूर अलहदा करने। जी माशाल्लाह देखो यह सारिया चीज़ा अं साफ कर दी, बदाम के भी छिलके उतार दिते हैं, अंजीर कट के अलहदा कर दी और खजूर अलहदा रख दी और बाकी चीज़ें जड़िया ने वह देखो यह बड़ी जबरदस्त हो गई। तो पानी इनका अलहदा कर दिया और इन पानी जरा इन्हें जाया नहीं करना, इस पानी के दोबारा जरा ना वो बनावना है। तो इस दे अंदर चीनी भी नहीं डालनी है, तो इसके अलावा इन हम कोई शायद नहीं शामिल करनी थी। तो इनू तुम जरा ना अगर मिट्टी की दौरी के रगड़ाई कर लो तो बहुत जबरदस्त होगा, अगर जो अवेलेबल नहीं हैगी तो फिर तुम इन ग्राइंडर के भी शामिल कर सकते हो, उन्हें भी ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते जी। तो इन हम तैयार करके तुम दिखाने जी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो तेरे सामने तैयार हो गया बहुत ज़बरदस्त, और एक कमज़ोर बच्चों वास्ते भी बहुत ज़बरदस्त, कमज़ोर बॉडी लेडीज हो जेंट्स हो दोनों वास्ते बहुत ज़बरदस्त। और इनका बनाने का ये मेन ये फायदा है कि ये फैट नहीं करता, जिसम मोटा नहीं करता, लेकिन जिसम ताकत बहुत ज़बरदस्त देता। ये नबीज जरा ना भी बहुत आला चीज़ है, नबी पाक सत्तर ने बड़े शौक न इस चीज़ को पसंद फरमाया, तो साढ़े वास्ते सुन्नत भी है, तो जिसम वास्ते ताकत भी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी है। तो मैं उम्मीद करना मेरे दोस्तों ने यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इन लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मिलेंगे, इजाज़त अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।